अच्छा अच्छा, तो चीनी जो है वो आप गोदामों में रख लेते हैं, दुकानों पे नहीं रखने देते, तो जिनको जरूरत है वो कहाँ से लाएंगे? अबे नालायक, इसलिए रख लेते हैं गोदामों में ताकि बाजार में किल्लत पैदा हो। अच्छा, झूठ मूठ की किल्लत पैदा होती? तो देख ना यार, एक चीज बाजार से उठ जाएगी, जैसे दाल उठ गई थी। अच्छा, तो दाल किसने उठाई थी? अच्छा, दाल भी इन्होंने उठाई, अब ये तोए से उठा रहे हैं। अबे वो दाल नहीं कर रहा हूँ यार, दालें तो खाते हो तुम। अच्छा, वो दालें? तो वो दालें उठा ली तो क्या हुआ, बाजार में दाल नहीं थी। 16 रुपए बिकी, 18 रुपए बिकी, वो मेहरबानी थी 16-18 बिकी। वो 40 रुपए शेर भी बेचते तो लोग खरीदते, जाते कहाँ वो। अब आ गई हमारी चीनी की, सारी खेत के तो गोदामों में ये ठूस देंगे। जब बाजार में नहीं होगी चीनी तो जिस मर्जी से बेचेंगे बिकेगी। इसका मतलब ये हो गया ना कि महंगाई सिर्फ इसलिए है कि दुकानों की बजाय अब चीनी जो है वो गोदामों में सजी हुई। सिर्फ चीनी नहीं, और बहुत सी चीजें भी सजी हुई है। तो आदमी ऐसे ही अमीर तो नहीं बन जाता, ऐसे ही तो डीलर क्यों जी सेठ साहब कोठियां नहीं बनवा लेते, कारखाने नहीं लगवा लेते। अल्लाह ने कोई अकल दी है? बस मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह इनको थोड़ी सी मुल्क से मोहब्बत भी दे देता ना, तो ये जहन्नुम में जाने से बच